स्वागत है आप सभी का नेक वीडियो लेक्चर में तमिलनाडु सर्कल का पोस्टमैन मेल गार्ड का 2020 का क्वेश्चन पेपर करेंगे इस वीडियो में डिपार्टमेंट और जीके के सभी क्वेश्चंस को करेंगे बाकी मैथ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं साथ में रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ़ कैश मिटास इज इंटरेस्टेड टू पोस्टमैन दोलेजमेंट ऑफ मिट्टा

सब पोस्ट ऑफिस टू होम द मिटांस इज मेड ओवर उप डाघर का पीए जिसे प्रेषण सौंपा जाएगा या फिर ट्रेजरर ऑफ सब पोस्ट ऑफिस और हेड ऑफिस टू होम द इज मेड ओवर या फिर उप या हेड ऑफिस के कोषाध्यक्ष से जिसे प्रेषण सौंपा जाएगा तो पोस्टमैन क्या करेगा आपका उप डाघर का या हेड ऑफिस का जो भी कोषाध्यक्ष होगा जिसे वो प्रेषण जिसे वो धन प्रेषण सौंपेगा उसी से अपनी पोस्टमैन बुक में पावती ले लेगा ठीक है उसमें एक्नोलेजमेंट ले लेगा तो कौन सी ऑप्शन सी आएगी आपके पास सी ऑप्शन आपके पास से ही आ जाएगी अगला क्वेश्चन है आपके पास है पोस्टमैन इज नॉट ऑबलाइज टू गिव चेंज एक डाकिया चेंज देने के लिए बाध्य नहीं होता है तो चेंज का मतलब होती है मान लीजिए किसी के दस रुपये बनते हैं अब उसने दस सॉरी किसी के आठ रुपये बनते हैं उसने आपको दस रुपये दिए अब दो रुपये आपने वापस देने हैं ठीक है आप सिक्के आपको देने पड़ेंगे लेकिन आपके पास वो खुले पैसे नहीं है तो उन खुले पैसों को क्या कहा जाता है चेंज कहा जाता है तो डाकिया जब भी गश्त में जाता है तो वो चेंज देने के लिए बाध्य नहीं होता है ये बिल्कुल सही बात है ये ऑप्शन आपकी सही आ जाएगी नेक्स्ट है आपके पास इफ़ अ रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर और पार्सल मेल इज डिलीवर्ड टू एन हिज सील और अदर मार्क शुड वी रिसिप्ट एंड एक्नोलेजमेंट अटेस्टेड बाय यदि पत्र या पार्सल मेल का एक पंजीकृत लेख एक अनपढ़ प्राप्तकर्ता को दिया जाता है तो उसकी मोहर या अन्य चिन्ह रसीद या प्राप्ति पर लिया जाना चाहिए और उसे प्रमाणित तो कौन करेगा अब अनपढ़ व्यक्ति है वो साइन कर नहीं सकता है तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा उसका या तो थम्ब इंप्रेशन लिया जा

है कोई भी बिटनेस, कोई भी गवाह ठीक है जो जो पोस्टमैन जिसको जानता हो और फिर वो आर्टिकल वितरित किया जाएगा उसी विटनेस को उसी गवाह को जिसने उस महिला के हस्ताक्षर को क्या किया होगा हस्ताक्षरित किया होगा या उसको प्रमाणित किया होगा तो यहां पे कौन सी ऑप्शनशीन का पूछा जाता तो कौन करता कोई गवाह करेगा अगला क्वेश्चन है आपके पास रूट लिस्ट ऑफ अ विलेज पोस्टमैन शोज एक गांव के डाकिया की जो रूट लिस्ट होती है उससे क्या पता चलता है द हाउसेस इन द रूट ऑफ विलेज पोस्टमैन गांव के डाकिया के रास्ते में जितने भी मकान आते हैं रूट्स टू बी फॉलोड बाय हिम फॉर डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स लेखों के वितरण के लिए उसके द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मार्ग डिटेल्स ऑफ ऑल रूट्स इन दी विलेज गांव के सभी मार्गों का विवरण ठीक है ये तो उनको चाहिए जिनको गांव लूटना हो ठीक है उसको डाकि को क्यों चाहिए उसको क्या होना चाहिए जो उसकी रूट लिस्ट होती है उसमें क्या होता है नेम ऑफ दी विलेजेस टू बी विजिटेड बाय हिम ठीक है उसके द्वारा घूमने जाने वाले सभी गांवों के नाम उसमें होंगे जो आपकी रूट लिस्ट रहेगी कि कौन कौन से गांव में उसको डाक बांटने के लिए जाना होता है फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास क्या जाएगा डी विलेज पोस्टमैन आर अंडर द इमीडिएट कंट्रोल एंड ऑर्डर्स ऑफ बीच ऑफ फॉलोइंग ग्राम डाकिया निम्न में से किसके तत्काल नियंत्रण और आदेश के अधीन होता है सुपरिटेंडेंट हेड पोस्टमैन पोस्ट मास्टर या फिर सब डिविजनल हेड तो उपमंडल प्रमुख जो होता है कौन होता है इंस्पेक्टर पोस्ट उसके अधीन होता है डी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगी हेड ऑफिस इन मोर इम्पोर्टेंट सिटीज इन चार्ज ऑफ गैजेटेड ऑफिस आर कार्ड महत्वपूर्ण शहरों में राजपत्रित अधिकारियों के कार्यभार वाले प्रधान कार्यालय को क्या कहा जाता है हेड पोस्ट ऑफिस सिलेक्शन ग्रेड पोस्ट ऑफिस जनरल पोस्ट ऑफिस या फिर फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस तो सिक्स क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास आ जाएगा डी ऑप्शन में इसलिए साथ में बोलता हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर जब भी हम करते हैं तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद करते हैं ये आपको कितने क्वेश्चन आते हैं उस चीज के लिए होता है आपको अंदाजा हो जाए कि भाई आपको कितना आता है इस तरह का क्वेश्चन पेपर अगर आ जाए तो आप कितना कर पाएंगे इसलिए होते हैं तो अपने आंसर्स भाई आप मेरे से पहले देने की कोशिश करो तो इसलिए आपके ऑप्शन में साथ में बोलता हूं ताकि आपको अपना आंसर देने के लिए समय मिल जाए नेक्स्ट है आपके पास रूल्स रिकुलेटिंग जर्नल प्रोहिबिशन ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल बाई पोस्ट इस डाक द्वारा वस्तुओं के प्रसारण पर सामान्य प्रतिबंध लगाने वाला नियम कौन सा है जिसमें आपके प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स वगैरह आते हैं वो किस में आ जाएगा तो ये आता है आपके पास रूल नंबर टू जीरो नाइन ऑफ उफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट वन ठीक है दो सौ नौ से लेके दो सौ चौदह तक इनको एक्सप्लेन किया गया है सेवंथ क्वेश्चन की ये ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगी फ्रैंकिंग कैन बी डन अपू बिउंट ऑन आर्टिकल एक लेख पर कितनी राशि तक फ्रैंकिंग की जा सकती है मतलब किस तक उसके इंप्रेशन लगाई जा सकती है मान लीजिए उसके ऊपर एक हज़ार रुपए के लिए आपको लगाने हैं डाक टिकट ठीक है एक हजार रुपये उसका डाक शुल्क का भुगतान आपको करना है तो क्या आप इतनी लगा पाएंगे तो इस चीज के बारे में डिलीवर्ड बाई हेड ऑफ डिविजन तो यहाँ पे आएगा डिसाइडेड बाई हेड ऑफ़ डिविजन और उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास एज़ प्रेस्क्राइब बाई हेड ऑफ सर्कल या फिर हेड ऑफ़ सर्कल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा वन थाउजेंड रुपीज़ या फिर अप टू एनी अमाउंट तो किसी भी राशि तक की जा सकती है ठीक है यानी कि आप किसी भी लेख के ऊपर किसी भी अमाउंट तक की फ्रैंकिंग कर सकते हैं यानी कि डाक शुल्क का भुगतान आप फ्रैंकिंग मशीन के जरिए करना चाहते हैं तो किसी भी लेख के ऊपर आप जिस मर्जी सीमा तक कर सकते हैं डी ऑप्शन आपके पास यही आ जाएगी पोस्ट ऑफिस इन चार्ज ऑफ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स आर ओपन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के प्रभारी डाक घरों को अधिकतम कितनी अवधि के लिए खुला रखा जा सकता है फाइव आवर्स फोर आवर्स सेवन या फिर थ्री आवर्स तो नाइन्थ क्वेश्चन का सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास उनको मैक्सिमम फाइव आवर्स के लिए खुला रखा जा सकता है ए ऑप्शन आपके पास यही आ जाएगी और मिनिमम की पूछा जाए तो फोर आवर्स हो जाएगा मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स पोस्टेड अंडर नेशनल बिल मेल सर्विस राष्ट्रीय बिल मेल सेवा के तहत पोस्ट किए गए लेखों की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए ऑप्शन है आपके पास वन थाउजेंड फाइव थाउजेंड टेन या फिर ट्वेंटी थाउजेंड तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास आ जाएगा सी इसमें टेन थाउजेंड होनी चाहिए और इसी में अगर बिल मेल सर्विस होता नेशनल इसके साथ ना लगा होता तो कितनी हो जानी थी पाँच हज़ार हो जानी थी और इसी तरह से अगर आपका डायरेक्ट पोस्ट होता तब कितनी हो जानी थी वन थाउजेंड हो जानी थी पोस्ट मास्टर हैज डिस्क्रिशनरी पावर टू डिलीवर के पास व्यक्तियों को संबोधित रिश्तेदार को, निकत, को वितरित करने की विवेकाधीन शक्ति होती है जिन्होंने उसके लिए आवेदन किया है कथन है अब क्या होता है कि आप किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके लिए कोई भी आर्टिकल आता है कोई भी लेख भेजा गया हो तो

कंडीशन इसके लिए रहती है और भी कंडीशन है ठीक है अब कोई भी मृतक व्यक्ति है उसके किसी नजदीकी रिश्तेदार ने अप्लाई किया है कि भाई कोई भी इस व्यक्ति के नाम अब लेख आएगा तो उसका वितरण मुझे कर दिया जाए तो इस चीज के बारे में डिसीजन लेने का हकदार कौन होता है आपका पोस्ट मास्टर होता है उसके पास ये पावर होती है लेकिन वो कंडीशन इसमें फॉलो करता है जैसे कि ये वैल्यूएबल इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए कोई भी काउंटर क्लेमेट नहीं होना चाहिए यानी कि प्रति दावेदार नहीं होना चाहिए कोई भी लड़ाई झगड़े की संभावना नहीं होनी चाहिए तो ऐसी सभी स्थितियों से अगर वो बिल्कुल खरा उतरता है ठीक है

अगला क्वेश्चन है आपके पास बिच ऑफ दी फॉलोइंग आर्टिकल्स आर नोट डिलीवर्ड थ्रू दी पोस्ट बॉक्स निम्न में से कौन सा लेख पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित नहीं किया जा सकता है आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू लेजिटिमेट पर्सनल ऑफ अ फर्म रेंटिंग अ पोस्ट बॉक्स पोस्ट बॉक्स पर किराए पोस्ट बॉक्स किराए पर लेने वाली फर्म के वैध कर्मियों को संबोधित लेख तो इनका वितरण किया जा सकता है मान लीजिए किसी भी फर्म ने पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया है तो उतने उसके जितने भी वैध कर्मी होते हैं उनके लेख भी उस पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किए जा सकते हैं आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू फैमिली मेंबर्स एंड गेस्ट ऑफ द रेंटर या फिर परिवार के सदस्यों या किराएदार के मेहमानों को संबोधित लेख तो जो किराएदार है उसके परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं और जो उसके गेस्ट आए होते हैं उनके लेखों को भी उस पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किया जा सकता है आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू कैजुअल बिक्ट एंड कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव स्टेइंग विद द रेंटर किराएदार के साथ रहने वाले आकस्मिक आगंतुकों और वाणिज्य प्रतिनिधियों को संबोधित लेख तो इनका वितरण भी किया जा सकता है किसका नहीं किया जाएगा वो हमें बताना है तो ऑब्वियसली ये पहले तीन का किया जा सकता है तो आपका फोर्थ गलत होनी चाहिए आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू अदर पर्सन और फर्म्स केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर अन्य व्यक्तियों या फर्मों को संबोधित लेख केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर करके जिनको भेजा जाता है उनका वितरण पोस्ट बॉक्स के माध्यम से नहीं किया जाएगा तो कौन सी डी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगी फी फार पोस्ट बैग फार ए क्वार्टर ऑफ एन ईयर ऑफ पार्ट इज़ एक वर्ष के एक चौथाई भाग के लिए पोस्ट बॉक्स बैग का शुल्क क्या होता है क्वेश्चंस वही होते हैं थोड़े से घुमा के पूछे जाते हैं तो एक चौथाई भाग क्या हो जाएगा एक में आ साल में आपके बारह महीने होते हैं इसका चौथाई भाग क्या हो जाएगा तीन महीने यानी कि आपका एक क्वार्टर हो जाएगा और तीन महीने में एक तिमाही का किराया कितना कि होता है पोस्ट बॉक्स का पचास रुपए होता है तो ये ऑप्शन आपके पास ही आ जाएगी और पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का एक साथ आपने देखना हो तो कितना होता है एट्टी रुपीज होती है तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपके पास यही आ जाएगी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट टू बी सेंट बाई एयर हवाई मार्ग से प्रेषित किए जाने वाले अंध सीते पैकेट विल बी एयर लिफ्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में एयर लिफ्टिंग इनकी की जाएगी अगर इनको बाई एयर भेजना है तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे बिल वी चार्ज एयरमेल चार्जेस प्रेस्क्राइब्ड फॉर लेटर्स या फिर पत्रों के लिए निर्धारित हवाई डाक शुल्क लिया जाएगा बिल नोट भी सेंड बाई एयर एंड बिल वी सेंड बाई सरफेस ओनली हवाई मार्ग से नहीं भेजे जाएंगे केवल सतह मार्ग द्वारा भेजा जाएगा बिल वी चार्ज एयरमेल चार्जेस प्रेस्क्राइब्ड फॉर पैकेट्स या फिर बुक पैकेट के लिए निर्धारित हवाई डाक शुल्क लिए जाएंगे तो ब्लाइंड लिटरेचर के साथ क्या लगा हुआ है इसके साथ पैकेट लगा हुआ है तो जो भी निर्धारित चार्जेस होंगे आपके एयर मेल चार्जेस होंगे पैकेट्स के लिए वो इसके ऊपर लिए जाएंगे तो बुक पैकेट के लिए निर्धारित हवाई डाक शुल्क इनके ऊपर लिया जाएगा ठीक है अगर इनको एयरलिफ्ट करना पड़ता है क्योंकि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में बाकी आपके जितने भी चार्जेस होते हैं चाहे वो पोस्टेज चार्जेस हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं एक्नोलेजमेंट आप साथ में भेज रहे हैं अटेस्टेड कॉपी चाहिए आपको रिसिप्ट की उन सभी के लिए आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं लेकिन अगर आपको इसे

ई पेमेंट चार्ज फॉर पेमेंट अप टू वन थाउजेंड इज एक हजार रुपए तक के भुगतान के लिए ई पे भुगतान शुल्क क्या है अब ई पेमेंट क्या होती है इसमें ऑप्शन मिल जाती है जो बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको अपने जो भी बिल होते हैं या बाकी पेमेंट्स होती हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कलेक्ट करने के लिए ठीक है ये ऑप्शन उनको मिल जाएगी लेकिन इसमें पोस्ट ऑफिस फ्री तो करेगा नहीं कुछ ना कुछ चार्जेस लिए जाते हैं अब कैसे लिए जाते हैं अगर तो एक हजार रुपए तक है ठीक है एक हजार रुपये से कम है तो कितने लिए जाएंगे पांच रुपए और यहीं पे हमसे यही पूछा गया है पांच एक से कम अगर आपसे दस रुपए लिए जाते हैं पच्चीस से लेकर पांच हजार रुपए तक आपसे पंद्रह रुपए और उससे ज्यादा पांच हजार से अधिक होने पर आपसे बीस लिए जाएंगे तो यहां आंसर सी आ जाएगा अगला क्वेश्चन है आपके पास यूनिक पीएनआर फॉर ई एम ओ हैज डिजिट ई एम ओ के लिए यूनिक पीएनआर नंबर में कितने अंक होते हैं सोलह उन्नीस पंद्रह या फिर अठारह तो इसमें टोटल एट्टीन डिजिट होते हैं जब भी आपका ई एम ओ बुक किया जाता है तो उसमें जो एक पी एन आर नंबर जनरेट किया जाता है वो टोटल एट्टीन डिजिट्स का होता है अगला क्वेश्चन है आपके पास डिस्काउंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर्स ऑफ डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट हैविंग मंथली रेवन्यू ऑफ फाइव लैक इज पाँच लाख रुपए मासिक राजस्व वाले घरेलू स्पीड पोस्ट के संविदा ग्राहकों के लिए छूट क्या रहेगी अब इसमें भी आपके पास दो तरह की छूट आपको दी जाती है दो तरह की छूट नहीं दी जाती दो तरह के कस्टमर होते हैं एक होते हैं आपके कंट्रेक्चुअल दूसरे होते हैं वाकिन अब कॉन्ट्रेक्चुअल वो होते हैं जो लगातार आते हैं ठीक है अब जो दूसरे होते हैं वाकिन वो कभी कभार आते हैं उनके लिए जब भी किया जाएगा तो उनके लिए दैनिक राजस्व की बात की जाएगी जब भी उनको छूट दी जाती है तो कैसे दी जाती है दैनिक राजस्व एक दिन में वो कितनी स्पीड पोस्ट की बुकिंग करते हैं उसी के हिसाब से उनको छूट दी जाती है लेकिन जो कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर्स होते हैं इनको जब छूट दी जाती है इनको दी जाती है मासिक आधार पर एक महीने में ये कितनी स्पीड पोस्ट की बुकिंग करते हैं उतने के हिसाब से इनको छूट दी जाती है तो इसमें आपके पास क्या क्या हो जाता है इसमें आपके पास टोटल पाँच तरह से पाँच तरह से नहीं आप बोल सकते हैं इसमें आप टोटल पांच प्रकार से छूट मिल जाएगी कैसे मिलेगी अगर पचास हजार रुपए से पचास हजार एक रुपए से लेके पाँच लाख तक है तब दस परसेंट दी जाती है तो जब हम करते हैं तो इसमें क्या करते हैं एक तो होता है ना आपका बल्क कस्टमर अब बल्क कस्टमर कौन होता है इसमें ये भी कंफ्यूजन वाली बात रहती है बल्क कस्टमर आपका वो ग्राहक होता है जो एक महीने में दस हजार रुपए तक का स्पीड पोस्ट बिजनेस देता है तो ये आ जाएगा लेकिन इसी में आप आगे भी पढ़ते हैं जब उसमें आता है कि अगर डिस्काउंट चाहिए किसी को तो पचास का मिनिमम बिजनेस होना चाहिए कम से कम पचास का बिजनेस होना चाहिए एक महीने का एक महीने में अगर पचास से अधिक का बिजनेस है तब उसको इसमें क्या मिलता है डिस्काउंट मिल जाता है लेकिन थोक ग्राहक वो हो जाएगा जो दस हजार रुपए तक का स्पीड पोस्ट बिजनेस एक माह में देता है अब जब शूट की बात आ जाए तो यहां पे मैंने क्या बोला अभी फर्स्ट में मैंने आपको बोला कि अगर पचास हजार रुपए पचास हजार एक रुपए से लेके पांच लाख रुपए तक है तब कितने प्रतिशत छूट मिल जाती है तब मिल जाती है आपको दस प्रतिशत छूट तो यहां पे आपसे क्या पूछा गया है पांच लाख रुपए मासिक राजस्व वाले घरेलू स्पीड पोस्ट संविदा ग्राहकों के लिए क्या छूट रहेगी तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा इसका सही आंसर आएगा आपके पास भी दस प्रतिशत अब उसके बाद क्या हो जाती है उसके बाद आपकी हो जाती है पांच लाख एक रुपए से लेकर पच्चीस लाख रुपए तक पंद्रह दी जाती है पच्चीस लाख एक रुपए से लेकर एक करोड़ रुपए तक आपको बीस दी जाएगी एक करोड़ एक रुपए से लेकर पांच करोड़ तक पच्चीस और पांच करोड़ से अधिक होने पर तीस दी जाती है

दूसरा मंथली कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर के लिए देखा जाएगा और इसमें जो छूट दी दी जाएगी जाएगी वो किस प्रकार ये इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम कितनी दी जाएगी ये भी जरूरी है टैरिफ फॉर फॉर बिजनेस पार्सल्स वेइंग अप टू डिलीवरी विद इन दी स्टेट भारत के भीतर डिलीवरी के लिए दो किलोग्राम तक वजन वाले व्यापार पार्सल के लिए टैरिफ क्या होगा एटी रुपीज हो गए इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है गूगल से आप सर्च करेंगे तो आपको ये टेबल मिल जाएगा छोटा सा उसमें सारा दिया हुआ है आप याद कर सकते हैं तो उसमें याद कर लेना है ठीक है और स्पीड पोस्ट में जो आपके ट्रांजिट नॉर्म्स हैं, ठीक है पारगमन गम, पार में जितना भी टाइम लगता है उसको पहुंचने में तो बहुत जरूरी है बॉफी साथ में कर लेना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिकवरी फ्रॉम दी एड्रेस इन केस ऑफ सीओडी आर्टिकल सीओडी क्या होता है कैश ऑन डिलीवरी यानी कि जब उसका वितरण किया जाएगा उसी समय एड्रेस से पैसे लिए जाएंगे तो सेंडर को भेजे जाते हैं किसी भी सीओडी वस्तु के मामले में प्राप्तकर्ता से वसूल की जाने वसूल की जा सकने वाली अधिकतम राशि क्या होगी पांच हजार दस हजार पचास हजार या फिर बीस हजार तो पचास हजार रुपए हो सकती है मैक्सिमम तो डी ऑप्शन आपके पास ही हो जाएगी ई एम ओ कितने तक भेज सकते हैं हम पांच हजार रुपये तक भेज सकते हैं और दूसरे यहां पे जब भी जाए ई एमओ में आप वीपीएमओ कितना तक भेज सकते हैं जो वीपीएमओ होता है क्या होता है वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर तो कितने तक भेजा, तक भेजा जा सकता है वो भी पांच हजार रुपए तक भेजा जा सकता है मैक्सिमम वेट ऑफ अ बुक पैकेट इस बुक पैकेट का अधिकतम वजन कितना हो सकता है सात किलोग्राम सात पांच किलोग्राम सात किलोग्राम चार या फिर दो के जी तो कितना हो सकता है पांच किलोग्राम हो सकता है ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगी तो पैकेट में आपके पास तीन श्रेणियां हैं वजन की एक आपका ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट वो हमने कर लिया कि अगर उसमें एयरलिफ्ट आपको करना पड़े तो कौन से चार्जेस लिए जाते हैं जो आपके बुक पैकेट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं क्योंकि वो भी बुक पैकेट की श्रेणी में आता है ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट तो उसमें देखिए जो मैक्सिमम वेट लिमिट होगी वो सी अलग है वो अलग क्यों है क्योंकि उसमें सात किलोग्राम तक आप भेज सकते हैं नॉर्मल बुक पैकेट जब भी पूछा जाए तो पांच किलोग्राम तक और सैंपल और पैटर्न पैकेट पूछा जाए तो दो किलोग्राम तक आप भेज सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ आर्टिकल्स टू बी सेंट बाय डायरेक्ट इज डायरेक्ट पोस्ट द्वारा भेजे जाने वाले लेखों की न्यूनतम संख्या क्या होगी तो डायरेक्ट पोस्ट वाला मैंने थोड़ी देर पहले बताया अगर आपने ध्यान से सुना है नेशनल बिल मेल सर्विस वाले क्वेश्चन में आया मैंने उसमें बोला अगर बिल मेल सर्विस अकेला होगा तो पांच हजार हो जाएगा नेशनल साथ में लग गया दस हो जाएगा और डायरेक्ट पोस्ट के लिए कितना हो जाएगा एक होनी चाहिए मिनिमम तो यहाँ पे इसमें से आंसर क्या हो जाएगा डी और इसमें जो साइज है कई बार वो भी पूछा जाता है क्योंकि नॉर्मल जो साइज ए होता है ठीक है या फिर आप लेटर वगैरह भेजते हैं तो रेक्टेंगुलर होता है लेकिन इसमें क्या होता है डायरेक्ट बोस्ट में जो लेख होते हैं उनका साइज ए से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगला क्वेश्चन आपके पास सी एन ट्वेंटी टू फोरम इज यूज फॉर कस्टम डिक्लेक्ल ऑफ वैल्यू सी एन ट्वेंटी टू फॉरम का उपयोग किस मूल्य तक के अंतर्राष्ट्रीय लेखों की सीमा शुल्क घोषणा के लिए किया जाता है थ्री हंड्रेड एस डी आर बिलो थ्री हंड्रेड एस डी आर थ्री हंड्रेड एस डी आर और अव या फिर थ्री हंड्रेड एस डी आर और बिलो तो इसका सही आंसर आएगा आपके पास भी थ्री हंड्रेड एस डी आर से कम होने पर फोरम नंबर सी एन ट्वेंटी टू का यूज किया जाएगा सीमा शुल्क घोषणा के लिए कितने प्रकार के फोरम्स का यूज किया जाता है दो सी एन ट्वेंटी टू और दूसरा क्या आ जाएगा सी एन ट्वेंटी थ्री इन दोनों का यूज़ किया जाएगा थ्री हंड्रेड एस डी आर या थ्री हंड्रेड एस डी आर से ऊपर होने पर सी एन ट्वेंटी थ्री का यूज़ किया जाता है और इसे नीचे होने पर थ्री हंड्रेड एस डी आर से सी एन ट्वेंटी टू का यूज़ किया जाएगा नेक्स्ट है आपके पास रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर इंटरनेशनल लेटर्स एयर लेटर्स पोस्ट कार्ड्स एंड पैकेट्स अंतरराष्ट्रीय पत्र हवाई पत्र पोस्ट कार्ड और पैकेट के लिए पंजीकरण शुल्क क्या रहने वाला है इस साल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है भाई कितना हो जाएगा वन हो जाएगा पहले सेवनटी होता था लेकिन अब चेंज हो चुका है चेंज हो कितना हो गया है वन हो गया और मेल बैग जो होता है एम बैग जो होता है उसकी बुकिंग के लिए आपका सेवन है पहले कितना था थ्री फिफ्टी तीन सौ पचास सातना है सात भाई, एस भाई, उनके लिए भी चेंज हो चुका है तो वो भी याद रखने वो भी पूछे जाएंगे नेक्स्ट आपके पास मिनिमम अमाउंट फॉर बिच एन एमओ कैन बी बुक न्यूनतम राशि जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर बुक किया जा सकता है तो चार तीन चार प्रकार के आपके मनी ऑर्डर होते हैं ठीक है कोई फील्ड पोस्ट मनी ऑर्डर होता है कोई इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर होता है ठीक है कोई वी होता है वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर होता है तो उन सभी की मिनिमम आपको लिमिट पता होनी चाहिए मैक्सिमम आपको लिमिट पता होनी चाहिए ठीक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम वाला मनी ऑर्डर आता है तो वो लिमिट आपको पता होनी चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर मिनिमम आप एक रुपये के लिए भी बुक कर सकते हैं ट्वेंटी सिक्स की से ऑप्शन की आ जाएगी आपके पास ही और मैक्सिमम कितना हो जाएगा पाँच हज़ार रुपये ठीक है पाँच हज़ार रुपये मैक्सिमम और मिनिमम एक रुपये के लिए कर

मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फॉर ओपनिंग अ फ्लैट लीक डिपॉजिट अकाउंट इस फ्लैटली खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए दो सौ पचास रुपए सौ रुपए दो सौ या फिर डेढ़ सौ रुपए तो मिनिमम टू हंड्रेड रुपीज से आप खोल सकते हैं ट्वेंटी एट की से ऑप्शन आपके पास आ जाएगी सी अगला क्वेश्चन आपके यहाँ सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट्स कैन बी ओपन इन दी नेम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड अप टू दी एज ऑफ इयर्स उस कन्या समृद्धि योजना खाता किस वर्ष तक की लड़की के नाम खोला जा सकता है दस वर्ष पाँच वर्ष बारह वर्ष या फिर छः वर्ष तो ट्वेंटी नाइन की से ऑप्शन आपके पास आ जाएगी है दस वर्ष तक की बच्ची के नाम खोला जा सकता है कोई भी लड़की जिसकी आयु दस वर्ष से कम है उसके नाम सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है मिनिमम टू फिफ्टी रुपी से खोला जाएगा दो सौ पचास रुपये से खोला जाएगा एनरोलमेंट कमर कवर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का नामांकन कवर किस प्रकार है यानी कि इसमें जो आपको इंश्योरेंस दी जाती है इंश्योरेंस कवर होता है एक बार आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में चार प्रीमियम एक साल का कट गया तो उसकी जो इंश्योरेंस कवर रहेगी वो कब से कब तक रहेगी तो ये रहती है फर्स्ट जून से थर्टी मई तक सी ऑप्शन आपके पास ही आ जाएगी ठीक है इसका प्रीमियम भी ध्यान रखना चार सौ छत्तीस है तीन सौ तीस मत करके आ जाना ये पूछा जाएगा सुरक्षा बीमा योजना में बीस रुपए है पहले बारह रुपए था अगला क्वेश्चन आपके पास पीपीएफ अकाउंट कैन बी ओपन बाई पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो अकाउंट होता है किसके द्वारा खोला जा सकता है टू अडल्टली थ्री अडल्टली एंड अडल्ट एंड माइनर ज्वाइंटली ओनली सिंगल एडल्ट एंड नो ज्वाइंट अकाउंट्स कैन बी ओपन क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास डी केवल एक एकल व्यस्क और कोई संयुक्त तो खाता नहीं खोला जा सकता यानी कि सिंगल अकाउंट ही ये खुलेगा और दूसरी बात बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप जहां मर्जी खुलवा लो ऑल ओवर इंडिया सिर्फ एक अकाउंट आप खोल सकते हैं डी ऑप्शन आपके पास यहां पे सही आ जाएगी इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस नॉट अवेलेबल फॉर अंतरराष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा किस देश के लिए उपलब्ध नहीं है जापान चाइना होंगकोंग या फिर ऑस्ट्रेलिया तो किसके लिए नहीं है चाइना के लिए नहीं है आपके आ जाएगी. अगला क्वेश्चन आपके पास यहां पे डिस्काउंट फॉर बुकिंग इंटरनेशनल ई एम एस ई एम एस क्या होती है एक्सप्रेस मेल सर्विस और इसको क्या कहा जाता है इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट की बुकिंग के लिए अगर पचास लाख रुपए से अधिक की बुकिंग आप करते हैं तो डि... डिस्काउंट जो आपको दिया जाएगा छूट जो आपको दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी ऑप्शन है आपके पास दस प्रतिशत पंद्रह पाँच या फिर बीस प्रतिशत थर्टी थ्री की से ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास इसमें आपको दी जाएगी बीस सॉरी इसमें आपको दी जाएगी पंद्रह प्रतिशत की तो इसमें जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कैसे दिया जाएगा दो लाख ,00, रुपये से लेकर दस लाख रुपये तक आपको दिया जाएगा पाँच प्रतिशत और दस लाख रुपये से ठीक है दस लाख एक रुपये से लेकर पचास लाख रुपये तक आपको दिया जाएगा दस प्रतिशत उसके बाद पचास लाख रुपये से अधिक दिया जाएगा पंद्रह प्रतिशत तो यहां पे कितना बोला गया पचास लाख रुपए से ऊपर होने पर तो कितना दिया जाएगा पंद्रह प्रतिशत यही तीन डिस्काउंट आपको दिए जाएंगे पचास लाख रुपए से ऊपर जितना मर्जी हो आपको सिर्फ पंद्रह प्रतिशत ही मिलने वाला है स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स कैन बी इंश्योर्ड फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड पोस्ट लेख अधिकतम किस मूल्य के लिए बीमित किए जा सकते हैं एक लाख रुपये पाँच लाख पचास आ, पचास लाख ठीक है उसके बाद है आपका बीस हजार तो कितने के लिए किया जा सकता है इनको कोई भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल है एक लाख रुपए के लिए इनकी इंश्योरेंस की जा सकती है अगला क्वेश्चन है आपके पास कंपनसेशन पे एबल फार लॉस ऑफ एन इंटरनेशनल ई एम एस इज ई एम एस मैंने अभी बता दिया एक्सप्रेस मेल सर्विस इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट ये होती है एक अंतर्राष्ट्रीय ई एम एस के नुकसान के मामले में दे मुआवजा क्या है पंद्रह एस डी आर बीस एस डी आर तीस या फिर पच्चीस एस डी आर तो थर्टी फाइव की सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगी सी इसमें आपको थर्टी एस डी आर कंपनसेशन के रूप में दिए जाते हैं और वहीं पर अगर आपका इंटरनेशनल पार्सल होता रजिस्टर्ड वाला ठीक है रजिस्टर्ड पार्सल होता तब तो आपको दिए जाने थे फोर्टी डी आर या फिर फोर पॉइंट फाइव जीरो एस डी आर पर हिसाब से तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई रजिस्टर्ड आर्टिकल के गुम होने पर ठीक है इंटरनेशनल नहीं बोल रहा हूं नॉर्मल आपके जो इंग्लैंड में होते हैं रजिस्टर्ड आर्टिकल कितने उसके लिए कंपनसेशन दी जाएगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं मैं बता दूंगा बीट इन रिलेशन टू पोस्टल ओवरसीज एंड डिलीवरी एजेंट्स डिनोट्स पोस्टल ओवरसीज और डिलीवरी एजेंटों के मामले में गश्त शब्द उस क्षेत्र को दर्शाता है क्या करना होता है एरिया विद इन विच देफॉर्म देअ रिस्पेक्टिव ड्यूटीज एंड इनक्लूड्स पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल कंसर्ट अपने संबंधित कर्तव्यों का पालन करना होता है और बेड आघर जिसमें उन्हें अपनी सेवाएं देनी है वो भी उसके बीट शब्द में आ जाएगा वो भी उनकी गश्त में आ जाता है थर्टी की जो से ऑप्शन आपके पास आ जाएगी वो ए ही

अगला क्वेश्चन है आपके पास कैंप कॉरेस्पोंडेंस अब कैंप कॉरेस्पोंडेंस जो शिविर पत्राचार होता है किसके लिए होता है आर इंटेंडेड टू हाई ऑफिसर्स ऑन टूर ठीक है दौरे पर जाने वाले उच्च अधिकारियों के लिए अभी प्रेत होता है एड्रेस एज कैंप और एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड एड्रेस विदाउट एडिशन ऑफ एनी पोस्ट टाउन इसे पोस्ट टाउन के नाम के बिना शिविर या अन्य पते को संबोधित किया जाता है जो कैंप कोरस्पोंडेंस होता है इसमें आपने कोई भी टाउन का एड्रेस नहीं देना है ठीक है यानी किसको संबोधित किया जाएगा कैंप को भेजा जाता है या किसी अन्य निर्धारित एड्रेस को बिना किसी पोस्ट टाउन के नाम के तो कौन सी ऑप्शन आ जाएगी सेवन की इसमें से आएगा आपके पास बोथ हैं बी है? आर है, 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 नहीं लिखना है इनको कैंप अन्य निर्धारित पते के ऊपर भेजा जाता है एन आर्टिकल बिथ बिथ दी एड्रेस इन कोलकाता इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ भुवनेश्वर एट कोलकाता फर्स्ट सोटिंग दैन दी आर्टिकल भुवनेश्वर के बजाय अंग्रेजी में कोलकाता के रूप में गलत तरीके से लिखे गए पते के साथ एक लेख कोलकाता आर एम एस में छंटाई के लिए प्राप्त हुआ था फिर लेख क्या हो जाएगा क्या हो गया यहाँ पे कि आपने भेजना था मेरे जैसा कोई बैठा हुआ था एड्रेस उसको इंग्लिश में अच्छे से लिखने नहीं आया उसने लिखना क्या था भुवनेश्वर लिख दिया कि उसने भुवनेश्वर की बजाय उसने क्या कर दिया उसने कर दिया कोलकाता अब एड्रेस गलत लिख दिया है भाई पता गलत लिख दिया है तो ओब्वियसली आर्टिकल आपका गलत जगह पे चला जाएगा तो गलत जगह पे जाकर वो जब कहां पे आपका प्राप्त हुआ कोलकाता आर एम एस में प्राप्त हुआ लिखना भुवनेश्वर था कोलकाता लिख दिया अब कोलकाता आर एम एस में प्राप्त हुआ शाई के दौरान तो उसको क्या कहा जाएगा गलत निर्देशित ले कहा जाएगा मिस डायरेक्टेड आर्टिकल उसे कहा जाएगा मिस डायरेक्टेड का मतलब यही होता है गलत उसको निर्देशित कर दिया निर्देशित करना मतलब मैं आपको बोल दूं कि मेरा एड्रेस ये है और आपको गलत एड्रेस दे दूं तो ऑब्वियसली आप मेरे घर तक तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे तो मैंने आपको गलत निर्देश दे दिया कि हाँ भाई मेरा एड्रेस यहां है आप कहीं और ढूंढ रहे हैं ठीक है मेरा एड्रेस गलत था वो तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कहा जाएगा गलत निर्देशित तो इसमें आपका ऑप्शन क्या जाएगी? आ जाएगी ऑप्शन आपके पास यही आ जाएगी अगला क्वेश्चन आपके पास थ्री ऑफ मेल बैग होते हैं डाक थैले होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है तीन प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं स्टेशन एंड कंबाइंड ये तीन प्रकार के डाक थैले होते हैं बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे सही आ जाएगी अगला क्वेश्चन आपके पास टू लेट लेटर्स आर टू फी अति विलंबित पत्रों को क्या करना चाहिए स्टैम्प्ड एज डिटेन्ड लेट फी नोट पेड एंड डिटेन टिल नेक्स्ट डिस्पैच निरुद्ध विलंब शुल्क का भुगतान नहीं किया गया मोहर लगाकर अगले प्रेशन तक रोका जाएगा तो जब भी एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करना होगा तो वो क्या करेगा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा अति विलंबित पत्र होते हैं उनके ऊपर ये वाली स्टैंप लगाई जाती है डिटेंड डिटेंड लेट फी नोट पेड वाली स्टैंप लगाई जाएगी और उनको कब तक रोक के रखा जाएगा अब यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं आपने अच्छे से इसको नहीं समझा आप कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसने ऑप्शन में दिया होगा अगले दिन तक अगले प्रेषण तक ठीक है उसी दिन तक या उसी समय भेज दिया जाएगा तब आप क्या करेंगे आपको अगर पता नहीं होगा इनको अगले प्रेषण तक अब क्या होता है कि कुछ एक पोस्ट ऑफिस में प्रेषण जो होता है दिन में दो या तीन बार भी होता है तो अगर सुबह वाले प्रेषण के लिए वो अति विलंबित पत्र था टू लेट लेटर था तो उसको दिन के अगले प्रेषण के दौरान भेज दिया जाएगा ये नहीं अगले दिन तक रोक रखा जाएगा अगले दिन तक नहीं अगले प्रेषण तक रोक के रखा जाएगा तो कौन सा ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास स्टैंप एस डिटेन लेट फी नोट पेड एंड डिटेन टिल दी नेक्स्ट डिस्पैच सिर्फ अगले प्रेषण तक उनको रोक के रखा जाएगा और अगले प्रेषण में उनको भेज दिया जाएगा ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी अगला क्वेश्चन है आपके पास फेसिंग मीन्स फेसिंग का क्या अर्थ होता है फेसिंग होती है सम्मुखन तो वो एक आपका आर्टिकल का पूछा जाता है फेस दूसरा पूछा जाता है फेसिंग अब दोनों में क्या फर्क होता है फेस आपका आर्टिकल की बैक साइड होती है जिस तरफ एड्रेसी का एड्रेस लिखा होता है वो उसका मुख हो जाता है सम्मुखन क्या हो जाता है अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल्स विद दी एड्रेस साइड आईडर्ड्स लेखों के पते को नीचे की ओर व्यवस्थित करना अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल्स विद दी एड्रेस साइड डिफरेंट डायरेक्शंस या फिर अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल्स एड्रेस साइड ऑफ़ एंड ट इन दी सेम डायरेक्शन तो इस क्वेश्चन का सेम आंसर आपके पास आएगा सी अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल्स विद एड्रेस साइड ऑफ वर्ड्स एंड एड्रेस टर्न इन द सेम डायरेक्शन कि लेखों को इस तरह से व्यवस्थित करना कि उनके पते वाले भाग जो है वो ऊपर की ओर सभी ऊपर की ओर आ जाएं और सभी क्या हो एक ही दिशा में आ जाएं सभी एक ही दिशा में आ जाएंगे अगर आप सभी को ऊपर की ओर एड्रेस रख दे जाएंगे इस तरह से रखेंगे तो क्या होगा सभी पते एक ही दिशा में आ जाएंगे ऊपर की ओर तो इसी को कहते हैं सम्मुखन करना लेखों को इस तरह से व्यवस्थित करना कि उनके पते वाले भाग ऊपर की ओर और, और एक ही दिशा में आ जाए तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास सी ऑप्शन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ हेड ऑफिस इज डेजिग्नेटेड एड एक प्रधान कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को किस रूप में नामित किया जाता है हेड डिप्टी पोस्ट मास्टर सब पोस्ट मास्टर या फिर असिस्टेंट पोस्ट मास्टर तो इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा ए इसको कहा जाता है प्रधान डाकपाल अ सब ऑफिस सिचुएटेड इन वेयर देयर इज ऑल्सो हेड ऑफिस इज टर्म एज किसी नगर या उसके उपनगरों में स्थित एक स्थित एक उप कार्यालय को क्या कहा जाता है जहां पर प्रधान कार्यालय भी हो ठीक है किसी भी नगर या उपनगर में क्या है आपके पास एक उप कार्यालय और वहां पे आपका क्या है दूसरा है वहां पे प्रधान कार्यालय है तो उस आपके उप कार्यालय को क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है टाउन सब ऑफिस डी ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगी अगला क्वेश्चन आपके पास हैड और सब ऑफिस विद बिच बी ओ इज इन डायरेक्ट अकाउंट इज कॉल्ड इट्स उस प्रधान या उप कार्यालय को तो क्या कहा जाएगा जिसके साथ बीओ सीधे खाते में होता है ठीक है सीधे उसके अकाउंट में होता है तो क्या हो जाता है वो उसका अकाउंट ऑफिस हो जाता है लेखा कार्यालय हो सकता है अब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है वो क्या बनता है इसके साथ कि बीओ का अकाउंट ऑफिस कौन हो सकता है तो बीओ का अकाउंट ऑफिस आपका हेड ऑफिस भी हो सकता है क्योंकि वो उसके साथ डायरेक्ट अकाउंट में भी हो सकता है या फिर सब ऑफिस भी हो सकता है दोनों में से कोई भी हो सकता है और सब ऑफिस का अकाउंट ऑफिस कौन होता है वो सिर्फ हेड ऑफिस होता है तो ये दोनों में इंपॉर्टेंट रहेगा अगला क्वेश्चन आपके पास मेल बैग्स एक्सचेंज बिटवीन अ कैश ऑफिस एंड अ सब ऑफिस बीच इट फाइनेंस बिल आल्सो कंटेन अ कैश बैग इन इन साइड तो इसमें क्या बोला गया है कि नकद कार्यालय और उप कार्यालय के बीच आदान प्रदान होने वाले मेल बैग के अंदर क्या होगा जिसमें नकद थैला होता है ऑप्शन हैं आपके पास मेल बैग पार्सल बैग रजिस्टर्ड बैग या फिर पैकेट बैग तो इसमें क्या होता है आपके नकद कार्यालय और आपके उप कार्यालय के बीच में जब भी क्या होता है आपके मेल बैग जो एक्सचेंज है, होते हैं तो उसमें एक रजिस्टर्ड बैग होता है जिसके अंदर डाला जाता है आपका नकद बैग ठीक है नकद हाला किसमें डाला जाएगा रजिस्टर्ड बैग और रजिस्टर्ड बैग इसमें डाला जाएगा मेल बैग के अंदर तो फोर्टी फाइव की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी सी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगी अब इसमें दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है कि जब भी आप रजिस्टर्ड बैग तो रजिस्टर्ड बैग के अंदर क्या करेंगे कैशबैक को डाल के भेजेंगे तो कैश बैग को किससे सील करना चाहिए कैश बैग को कैश सील से सील किया जाएगा और जो रजिस्टर्ड बैग होगा उसको इंश्योरेंस सील से सील करके भेजा जाता है फिर उसको मेल बैग के अंदर डाला जाएगा इट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट द स्टॉक ऑफ़ पोस्ट स्टैम्प रिटेन इन अ ट्रांजिट मेल ऑफिस तो यहाँ पे पूछा गया है पारवहन डाक कार्यालय में टिकटों का स्टॉक रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होगी मेल एजेंट या मेल गार्ड हेड रिकॉर्ड ऑफिसर सब रिकॉर्ड ऑफिसर या फिर रिकॉर्ड ऑफिसर 46 की सही ऑप्शन आपके पास आ जाएगी ये ये मेल एजेंट या फिर मेल गार्ड की प्राथमिक ड्यूटी होती है कि डाका रेल में टिकटों का स्टॉक जो है वो पूरी तरह से रखा जाए ठीक है उसको जो भी सफिशिएंट है जितना चाहिए उतना रखा जाएगा अगला क्वेश्चन आपके पास पोर्टफोलियो बिल ऑलवेज रिमेन इन दी पर्सनल कस्टडी ऑफ पोर्टफोलियो हमेशा किसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहेगा मेल एजेंट हार्ड सोर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड रिकॉर्ड ऑफिसर या फिर इंस्पेक्टर तो हार्ड सोर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड की कस्टडी में रहता है फोर्टी सेवन की से ऑप्शन आपके पास आ जाएगी बी अगला क्वेश्चन आपके पास मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर ट्रांसिट से प्रपत्र संख्या पर रखा जाता है रखा जाएगा, M43, M38, M42 या फिर MS42। तो जो ट्रांसिट अनुभाग होते हैं पारवहन अनुभाग होते हैं उसके लिए एम फोर्टी टू के ऊपर बनाया जाता है जो मेल ऑफिस होते हैं डाक कार्यालय होते हैं उनके लिए एम फोर्टी थ्री फोरम के ऊपर बनाया जाता है अगला क्वेश्चन आपके पास इन ऑल केसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मेल नो मेल लिस्ट इज यूज द रिसिप्ट शुड बी टेकन इन मेल के आदान प्रदान के सभी मामलों में जहां कोई मेल सूची का उपयोग नहीं किया जाता है उसके लिए रसीद कहां ली जानी चाहिए रिसिप्ट बुक बाई दी पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस और सेक्शन डाक घर द्वारा डाक कार्यालय या अनुभाग द्वारा रसीद बुक में लेनी चाहिए मेल पी बुक ऑर्डर बुक ऑफ एच एस से रफ नोट बुक ऑफ एच एस से तो कहाँ ली जानी चाहिए रिसिप्ट बुक बाई दी पोस्ट ऑफिस मेल ऑफिस और सेक्शन तो इसको रिसिप्ट बुक में लिया जाना चाहिए और किसके द्वारा पोस्ट ऑफिस के द्वारा मेल ऑफिस या फिर सेक्शन के द्वारा और इसमें अगर बाकी जितने भी केसेज होंगे ठीक है बाकी के केसेज में, में कहाँ पे ली जाएगी मेल कैरियर्स ठीक है मेल कैरियर की जो मेल पी बुक होती है मेल कैरियर के द्वारा टेकन इन मेल कैरियर्स इन दी मेल पी एंस बुक एम एस ट्वेंटी एट तो एम एस ट्वेंटी एट फोरम के ऊपर इसको लिया जाएगा ठीक है मेल कैरियर की जो मेल पियन बुक होती है उसमें इसको लिया जाएगा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है डिपार्टमेंट का ऑन रिसिप्ट ऑफ बी ऑर्डर्स फ्रॉम दी सुप्रीटेंडेंट द रिकॉर्ड ऑफिस शुड गेट इट नीटली कॉपीड इन टू ऑफ ईच सेट कंसंट अधीक्षक से बी आदेश प्राप्त होने पर इसे संबंधित प्रत्येक सेट के में अच्छी तरह से कॉपी करवाना चाहिए गार्ड बुक रफ बुक ऑर्डर बुक या फिर मार्गदर्शन पुस्तिका में तो कहाँ पे किया जाना चाहिए क्योंकि ये उसके जो सब होते हैं उनकी गाइडेंस के लिए होते हैं इसलिए इसको गाइडेंस बुक में करना चाहिए नो डॉन ठीक है करवाना चाहिए तो ये तो हर वीडियो में आप बोलेंगे बोलता हूँ लेकिन ये आते हैं भाई ए ऑर्डर बी ऑर्डर और टीवी ऑर्डर तीनों के तीनों ऑर्डर आर के अधीक्षक के द्वारा जारी किए जाते हैं ठीक है ए ऑर्डर तो हमने कर लिया कि वो किसके लिए होते हैं प्रेस्क्राइब्ड चेंजेस इन शॉर्ट इंग्लिश जो छंटाई सूचियाँ होती हैं उनमें आपके चेंज करने के लिए होते हैं दूसरे आपके ये गाइडेंस के लिए होते हैं तीसरे टी ऑर्डर्स कैंप बैग्स और कैंप आर्टिकल्स की निपटान के लिए मैथ के लिए आ डिस्क्रिप्शन में इसके लिए लिंक मिल जाएगा देख लेते हैं आपके बास आगे है in से किस काल ठीक है, मौर्य काल, है? उसके बाद गुप्ता तो किसका कहा जाता है गुप्ता काल को कहा जाता है डी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगी बीच मोस्ट मॉडर्न स्ट्रक्चर फाउंड एट द इंडस वैली साइट मोहनजोदारो Uh, सिंधु घाटी स्थल मोहन में पाई जाने वाली सबसे आधुनिक संरचना कौन है तो ये है ग्रेट ग्रेट उनमें स्नानागार भी होते थे भाई उस टाइम में भी क्या होते थे स्विमिंग पूल होते थे तो चलिए ये आपने ध्यान रखना अब बट इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ काजीरंगा सेंचुरी लोकेटेड इन आसम आसम में स्थित काजीरंगा अभ्यारण्य का मुख्य आकर्षण क्या है रॉयल रॉयल uh, बेंगोल टाइगर उसका स्पोर्टेड डियर एशियाटिक बबर वन हॉर्न तो इसका सही आंसर आएगा डी एक सिंह वाले जो राइनो होते हैं ठीक है गेंडे होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है तो यहाँ पे इसका सही आंसर आएगा डी समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इस उत्तराखंड के ग्रीष्म काकालीन राजधानी कौन सी है नैनीताल देहरादून गैरसैन या फिर हल्द्वारी तो हल्द्वानी तो इसका सही आंसर आएगा आपके पास घरसैन है ठीक है तो डी ऑप्शन सी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगी विटामिन डी इज प्रोड्यूस इन हेल्दी ह्यूमन बींग बाई एक्शन ऑफ ऑन द स्किन एंड ऑब्जॉर्व इन दी ब्लड स्ट्रीम एक स्वस्थ मनुष्य में विटामिन डी त्वचा पर किस क्रिया द्वारा निर्मित होता है और रक्त प्रवाह में अपशासित हो जाता है तो सूरज की रोशनी के द्वारा मिलती है आपको विटामिन डी तो जरूर लेनी है लेकिन ज़्यादा धूप में नहीं लेनी है तो इसमें डी ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगी बिच इज द क्लीनेस्ट सिटी एज पर स्वच्छ स्वेक्षण 2022 तो आप सोचेंगे आप ये कहाँ से 2020 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं क्वेश्चन आया 2022 में किसको दिया गया तो अंतर जामी तो था नहीं बनाने वाला इसको चेंज किया गया इस क्वेश्चन को पहले पूछा गया था 2020 में कौन है हमने कर दिया 2022 क्योंकि 2022 का आपको एग्जाम देना है तो स्वस्थ स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है इंदौर है ये ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगी नेक्स्ट आपके पास हु केम टू बी नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है तो किसको जाना जाता है इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास आ जाएगा डी दादा भाई नोरजी को जाना जाता है अगला क्वेश्चन आपके पास फेमस चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन प्रसिद्ध चिल्का झील जो है कहाँ पर स्थित है उड़ीसा में स्थित है बी ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगी कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप यूनियन लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कौन सी है तो इसका सही आंसर आएगा सी कवरती है अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का हुआ जी कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम भैन इंडिया वर्ल्ड कप इन नाइनटीन एटी थ्री उन्नीस सौ त्रियासी में जब भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व, विश्व कप जीता उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे कौन थे कपिल देव थे डी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगी तो यह था तमिलनाडु सर्कल का पोस्टमैन मेल गार्ड का 2020 का क्वेश्चन पेपर किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा हो या कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज के बारे में बता सकते हैं रेगुलर क्लासेस के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं सभी क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ फाइल्स हम आपको सल्यूशन खुद सॉल्व करने के लिए देते हैं क्योंकि जब आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि एग्जाम में भी आपको खुद से करनी है कोई और तो करवाएगा नहीं खुद करनी है तो क्यों ना इनको भी आप पहले एक बार करके देख लें क्योंकि यहाँ पे 40 क्वेश्चन पेपर हम प्रोवाइड करवाएंगे तो जिसने 40 क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया होगा उसको अपनी कमियाँ भी पता होंगी उसको अपनी जो है ना वो भी पता होगी कि मुझे पहले कौन सा पार्ट करना चाहिए तो एग्जाम में ये स्ट्रैटर्जी बहुत जरूरी होती है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि वहां पर जाके आप सोचो अब करना क्या है तो इसलिए आप इनको लेके इनको खुद सॉल्व करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपको इन्हें सोल्व करने का और अच्छे से तरीका आ जाएगा कि भाई पहले करना क्या है तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स थैंक यू